कि अभी आर्टिकल 370 हटा दिया मोदी जी ने और 35A भी खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग, लद्दाख को अलग कर दिया और भारत में शामिल कर लिया गया है। सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सुनेंगे इस देशभक्ति गीत को पेश करते हुए कैसे को फैलाएंगे, उनको तो बंद करके रखा है, नजर बंद करके रखा है। आप समझ गए होंगे कौन है वो। सुनिएगा, इरे कतारों के आज मिट दिए और मोती जी अरमान तने और एक सूत्र में बांध दिया आज सारा हिंदुस्तान। आइए, छोटी सी गुड़िया, नाम क्या है? आइए, छोटी सी गुड़िया, नाम है प्रियांशी, वो भी 101 रुपए देती है। भगवान उसकी आयु को लंबी करे, दिन रात चौगुनी वो तरक्की करे। सुनिएगा पहली लाइन के द्वारा क्या बता दिया। शहीदों की शहादत का लगे उतरता कर जा, अरे अपने को अपना कहने में कौन बतावे हर जा। अरे गृह मंत्री भारत का न्यू संसद में जाकर जा, ओ संसद में जाकर जा। दुश्मन देखे दर्जा ठोक के, दुश्मन आज एक सत्र में बात दिया यो सारा हिंदुस्तान तने, ओ सारा हिंदुस्तान तने। लेकिन उनको भी तो पूछो, जो 24 घंटे हम यहाँ सुख चैन से रह सके, वो अपनी जान को हथेली पे रख के हम लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन गद्दारों के देश में कमी थोड़ी ना है। इस देश का एक नेता था जो पाकिस्तान चला गया, वो भी उस टाइम जिस समय हमारे देश के बेटों ने अपनी शहादत दी थी। किसी कवि ने यूं लिखा कि कुछ नेता हुरियत के दर बिरयानी खाने चले गए, कुछ नेता हुरियत के दर बिरयानी खाने चले गए, सवा अरब की संसद की वो नाक कटाने चले गए।
अरे इससे तो अच्छा होता वो वापस फिर नहीं आते और चुल्लू भर पानी लेते और वही डूब के मर जाते। अरे वही डूब के मर जाते, लेकिन क्या कहे, लेकिन फिर भी गद्दारों को तो पीछे हटना ही पड़ेगा। सुनेगा आर्टिकल के विषय में बताया, क्या बता दिया, जो जेलों में अब है इस स्थान तुम्हारा, करते। इसीलिए कहा कि जो सेना के ऊपर पत्थर फेंके करते थे और हर हिंदुस्तानी का खून खून जाया करता था, इसीलिए उनके लिए कहा कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं। कौन हिंदुस्तानी होगा जो ये देख पाएगा कि चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। अरे या तो उनको फांसी टांगे वीर शहीदों की माए और या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। अरे बस सैनिक की विधवाएं, जिस दिन एक सैनिक की विधवा पत्नी अपने हाथों में AK-47 उठा लेना, एक एक गद्दार को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, ये गारंटी है। सुनेगा तीसरी बात में, तैयार लगा के तेल धरा दिया लाठी में, तेरा कतारो अरमान तुम्हारे है मिला दिए आज पार्टी में, और आज तिरंगा झूम रहा है कश्मीर की घाटी में, कश्मीर की घाटी में। Oh,
जिस रागनी की है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में जाके अब प्लॉट ले लेंगे, बहुत से कह रहे हैं वहां जाके बस जाएंगे, लेकिन ये सारा प्रोसीजर इतना इजी नहीं है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि ना तो हमें कोई कश्मीर की कली चाहिए और ना हमें कश्मीर के अंदर कोई प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन हे विधाता, अगर तूने भारत की गद्दी पर एक नेक बेटे को बिठा के रखा है, तो आज गंगा मैया के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में एक ही प्रार्थना कि 370 हटने के बाद किसी माँ का बेटा उस 5 अगस्त के बाद तिरंगे में लिपट करके किसी के यहाँ ना आए, ऐसी उस भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि 42,000 बेटों की हमने शहादत दे दी, अब हमारी इतनी बड़ी छाती नहीं है कि हम अपने जवान जवान भाइयों को इस देश की कुर्बानी में, इस देश की रक्षा में खो दें। इसीलिए अंतिम में कहा कि अभी तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लिया है, अब पाकिस्तान सुधर जा, अभी पीओके की वारी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बात करोगे कश्मीर की तो तुम्हें छीर देंगे। अब ना पानी देंगे, ना दूध देंगे, ना खीर देंगे, और बात अगर कश्मीर की तो तुम्हारे लाहौर को भी छीन लेंगे। अरे लाहौर को भी छीन लेंगे। और ये सिर्फ कहते ही नहीं है, जब भी हिंदुस्तान के बेटों की बारी आई तो हमने एक के बदले 10-10 की आहुति मेरे वतन के लिए दी है। अंतिम कलियों में सुनेगा, ये बता दिया। तोड़ के आज करी मन चाहिए, नागर भरिया जोश में करण लग्या कविताएं।